एक बार की बात है, घने जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक चुड़ैल रहती थी। वो फालसा फल की चुड़ैल के रूप में जानी जाती थी। फालसा फल की चुड़ैल गांव के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो हमेशा फालसा फल की एक टोकरी ले जाती हुई दिखाई देती थी, जिसे वो गाँव वालों को बेचती थी। गाँव वाले उससे फल खरीदने से डरते थे, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि फालसा फल गाँव में भोजन का एकमात्र स्रोत था। उन सबका मानना था कि वो चुड़ैल बहुत गुस्से वाली थी। अगर कोई भी गांव वाला उसके बारे में कुछ बुरा बोलता तो वो उसे श्राप दे दिया करती थी। एक दिन तीन बच्चों का समूह उस जंगल से गुजर रहा था। अरे, जंगल तो बड़ा ही भयानक लग रहा है। तुम दोनों को पता है कि यहाँ पर एक बहुत भयानक चुड़ैल रहती है, फालसा फल वाली चुड़ैल। क्या चुड़ैल? तो हमें अंदर नहीं जाना चाहिए ना? अरे नहीं नहीं, एक बार जरा अंदर जाकर देखते तो है वो चुड़ैल आखिर में दिखती कैसी है। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, चलो चल के देखते हैं। जंगल में थोड़ा आगे जाके वो तीनों बच्चों को उस फालसे फल वाली चुड़ैल की झोपड़ी दिखाई देती है। ये झोपड़ी किसकी है? वैसे तो मेरी मम्मी ने बताया था कि इस जंगल में सिर्फ और सिर्फ चुड़ैल ही रहती है। मुझे भी यही लग रहा है कि ये झोपड़ी उसी चुड़ैल की है। तो चलो हम देखते हैं कि अंदर क्या है। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि चुड़ैल बाहर बैठी है। अरे, ये चुड़ैल तो यही है। हमें शायद अब यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे पहले कि ये चुड़ैल हमें देख ले। चलो चलते हैं यहाँ से। यार, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मुझे वो फालसा फल खाने का मन कर रहा है। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। चलो उस चुड़ैल से वो फल मांगने जाते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पर उससे ज्यादा भूख लग रही है। तो जो तुम दोनों करने जा रहे हो उसके लिए मुझे भी साथ ले जाओ। वो तीनों बच्चे चुड़ैल के पास जाते हैं और उन बच्चों को देखकर चुड़ैल गुस्से में आ जाती है। तुम तीनों बच्चे यहाँ कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमें बहुत भूख लगी है। हमने देखा कि तुम ये फालसा फल छील रही हो, तो हम तुमसे ये मांगने आ गए। क्या हम तुम्हारे फालसा फल खाने के लिए ले सकते हैं? मैं इन बच्चों को ये फल खाने के लिए दे देती हूँ, और फिर ये बच्चे मेरे जाल में फंस जाएंगे। ठीक है, तुम सब ये फालसा फल खाने के लिए ले सकते हो। चुड़ैल उन बच्चों को एक टोकरी में फालसा फल भर कर दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, हमने जितना तुम्हारे बारे में सुना था, तुम उतनी बुरी हो नहीं, बल्कि तुम तो बहुत बहुत अच्छी हो। ये फालसा फल देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इस फल को खाने के वक्त एक बात याद रखना, इन्हें ज्यादा नहीं खाना, नहीं तो तुम बीमार हो सकते हो। बच्चे चुड़ैल के दिए हुए फालसा फल खाना शुरू कर देते हैं। मैंने इतने स्वादिष्ट फालसा फल कभी जिंदगी में नहीं खाए। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं तो जितना इन्हें खाता हूँ उतना और खाने का मन करता है। बच्चों ने फालसा फल तब तक खाया जब तक कि वे और नहीं खा सके। अचानक उन्हें चक्कर आने लगते हैं। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा हूँ, मैं भी अपने होश में नहीं हूँ। और फिर वो सब बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। वे डरे हुए थे और नहीं जानते थे कि वे कहाँ हैं। उन्होंने चीखने की कोशिश की, कोई है यहाँ? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये जगह कौन सी है और हम यहाँ कैसे पहुँचे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें याद है, चुड़ैल ने हमें वो फालसा फल दिए थे और वो हमने ज्यादा खा लिए थे। तो तुम्हारा मतलब है कि हमें यहाँ वो चुड़ैल लाई है? हाँ, हमें यहाँ वो चुड़ैल लाई है, वो सब उसी की चाल थी। अब हमें ये सोचना होगा कि हम यहाँ से निकलें कैसे। बच्चे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तभी उन सबको अपने अंदर कमजोरी महसूस हो रही होती है। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझ में अब और ताकत नहीं बची, मुझे भी कमजोरी महसूस हो रही है। अगर ऐसे ही हम सब थक गए तो हम बाहर कैसे निकल पाएंगे? दिन हफ्तों में बदल गए और बच्चे अभी भी अंधेरे कमरे में फंसे हुए थे। उन्होंने बचने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तभी उन बच्चों की आवाज़ सुनकर वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है।
तुम तीनों बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे उस बूढ़े आदमी को सारी बात बताते हैं। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ चुड़ैल लाई है। आप जानते हैं उस चुड़ैल के बारे में? हाँ, मैं उस चुड़ैल के बारे में सब जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सबको इतनी कमजोरी क्यों महसूस हो रही है। क्या हुआ है हमें अंकल? तुम्हें ये कमजोरी उस चुड़ैल के श्राप से मिली है। सभी बच्चे ये सुनकर बहुत चौंक जाते हैं। क्या ये सब श्राप की वजह से हुआ है? अब हम इससे छुटकारा कैसे पाएंगे? क्या अब हम जिंदगी भर इसी जगह पर रहेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे मम्मी की याद आ रही है। मुझे मम्मी के पास जाना है। अरे तुम सब बच्चे घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मुझे यहाँ से बाहर का रास्ता पता है। ये जगह तुम्हारे गांव से थोड़ी दूर है। हम तुम्हारे गांव जाके उस फालसा फल वाली चुड़ैल के पास जाएंगे और उससे इस श्राप को मिटाने को बोलेंगे। एक यही रास्ता है हमारे पास। फिर बूढ़ा आदमी और वो तीन बच्चे गांव की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो कई दिनों तक चलते रहे और अंत में वो सब उसकी झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। बच्चों की हालत कमजोरी की वजह से बहुत खराब होती है। फालसे फल वाली चुड़ैल उन सबको देख कर गुस्सा हो जाती है। तुम सब यहाँ कैसे आए और तुम सब अब क्या चाहते हो? मुझे तो चुड़ैल के गुस्से को देख कर ऐसा लगता है कि हमें श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। देखो चुड़ैल, तुम्हारे श्राप के कारण इन बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही है। बच्चे कमजोरी की वजह से बहुत बीमार हो गए हैं। मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम उन्हें इस श्राप से मुक्त कर दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं जानता हूँ तुम बहुत गुस्सा हो, लेकिन अपने दिल को थोड़ा नर्म करो और इन बच्चों की तरफ देखो। सोचो कि अगर तुम्हारे बच्चे इस तकलीफ में होते तो तुम क्या करती? तुम्हारे अपने बच्चे नहीं है, लेकिन ये भी तो किसी माँ के बच्चे हैं। तुम इन मासूमों को इतनी तकलीफ कैसे दे सकती हो? छोड़ दो गुस्सा और इनको श्राप से मुक्त कर दो। बूढ़े व्यक्ति की विनती से चुड़ैल का दिल नरम हो गया और वो श्राप को मिटाने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, तुमने मुझसे इतनी विनती की, इसलिए मैं तुम्हें इस श्राप को मिटाने का उपाय बताती हूँ। जंगल की दूसरी ओर एक फालसा फल का पौधा है। उस पौधे पर पकने वाले फालसा फल बहुत शक्तिशाली होते हैं। तुम उसकी औषधि बनाकर इन बच्चों को पिला देना और फिर इनका श्राप मिट जाएगा। बूढ़ा व्यक्ति फालसे फल वाली चुड़ैल के कहने पर जंगल की दूसरी ओर जाता है और उस फालसे फल के पौधे को ढूंढने लगता है। बहुत कोशिशों के बाद भी उसे वो पौधा नहीं मिल पाता। उसे ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और वो वहीं एक पत्थर पर जाकर बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ एक पौधा चमकने लगा है। पास जाकर वो देखता है तो उसे पता चलता है कि ये वही जादुई फालसा फल का पौधा है जिससे श्राप टूटेगा। बूढ़ा व्यक्ति उसमें से एक फालसा फूल तोड़ लेता है और उसकी औषधि बनाकर उन बच्चों को पिला देता है, जिससे उनका श्राप टूट जाता है और वो सब उसे पीने के बाद पहले की तरह अच्छा महसूस करने लगे। हम ठीक तो हो गए हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। कैसी बात मोहन? यही कि चुड़ैल ने हमें ये श्राप दिए क्यों, और उसने हमें उस अंधेरी जगह में क्यों रखा? हाँ, तुम सही सोच रहे हो। मेरा ख्याल है कि हमें उस फालसा वाली चुड़ैल के पास जाकर ये सवाल पूछना चाहिए। जब वे बच्चे उसकी कुटिया पर पहुँचे तो देखा कि वो रो रही है। अरे, तुम रो क्यों रही हो? मैंने तुम सबको श्राप इसलिए दिया क्योंकि मैं बहुत अकेली थी। मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं था, जिसकी वजह से मैं कड़वी और गुस्सैल हो गई थी। लेकिन जब मैंने तुम बच्चों को हंसते हुए और मस्ती करते हुए देखा तो मेरा मन कहने लगा कि मैं तुमसे दोस्ती करूं। लेकिन तुम सब एक चुड़ैल से दोस्ती क्यों करते? इसीलिए मैंने तुम्हें उस अंधेरी जगह में बंद कर दिया ताकि तुम सब मुझसे डर कर भाग ना सको और मुझसे दोस्ती कर लो। चुड़ैल, बाहर से तो तुम गुस्सा करने वाली हो, लेकिन दिल से बहुत अच्छी हो। हाँ चुड़ैल, मोहन सही कह रहा है।
चुड़ैल, अब से हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। बच्चे उस फल से फल वाली चुड़ैल के दोस्त बन गए और उसे गांव में आने और रहने के लिए आमंत्रित किया। फल से फल वाली चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। अब वो भी गांव का हिस्सा बन जाती है और सबसे प्यार करने लगती है।